नाउ स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन 7 है, लेकिन इसी डेटा का यूज करके हम लोग मीन निकालेंगे बाय एज्यूम्ड मीन मेथड से। ठीक है, अब क्वेश्चन को रीड करेंगी अग्रिमा। The distribution below gives the weights of 30 students of a class. Find the mean weight of the students by assumed mean method. ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन को रीड कर दिया। ये मीडियन का क्वेश्चन था, लेकिन हम इसका मीन निकालेंगे। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, तो स्टार्ट कीजिए। इन्होंने टेबल बना रखे है assumed mean method के लिए। थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन कर दें। ये तो क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी दोनों दी गई है डेटा में। उसके बाद एक्स आई निकालते हैं, देन डी आई निकालते हैं। DI होता है XI माइनस A, वेर A इज द एज्यूम्ड मीन। अभी ये बताएंगे कि एज्यूम्ड मीन हम कैसे फाइंड करते हैं। देन S by FI DI, और उसके बाद फार्मूला अप्लाई करके मीन को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कीजिए। फोर्टी प्लस 45 बाई टू, तो कितना हो जाएगा ये 85 बाई टू। 85 बाई टू कितना होगा? 42.5। और डिफरेंस 5 का है, इसी में 5 ऐड करते चले जाओ। 47.5, देन 52.5, देन 57.5, 62.5, और क्या होगा 67.5, 72.5। अब आपको एक्स आई मिल गया। आप इसके बाद क्या लिखना होगा? एज्यूम्ड मीन ए की वैल्यू। अब यहां पर आप लिखिए ए इक्वल टू, इक्वल टू कितना होगा आपको लिखना पड़ेगा। देख लीजिए मिडिल, एक्स आई का मिडिल 1 2 3 4 5 6 7, मिडिल कौन सा आया? 57.5, जो मिडिल में एक्स आई, नहीं एक्स आई में जो मिडिल वैल्यू है, देखो बीच में ना देखिए 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो मिडिल में कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। ठीक है ना, उसी को ए लिखते हैं, इक्वल टू 57.5। अब आपको डी आई निकालने के लिए क्या है? एक्स आई माइनस ए। अब सभी में से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करके देखिए कितना होगा, 42.5 माइनस 57.5, तो कितना आ गया? माइनस 15 आ गया, माइनस 15। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? yes, आगे देखिए 47.5 माइनस 57.5 माइनस 10 आएगा। अब ये क्या होगा? 52.5 माइनस 57 माइनस 5, देन 0। अब उसी को पॉजिटिव करते चले जाओ, 5 10 और 15। ये डेटा समझ में आ गया? yes, जो एज्यूम्ड मीन पूछे थे उनके समझ में आ गया। अब आपको देखो क्या मिलेगा यहाँ पर, एफ आई डी आई, तो मल्टीप्लाई करते जाइए और बोलते चलिए। माइनस 30 माइनस 40 0 30 30 30। चेक कर लीजिए, इन्होंने एक कैलकुलेशन करके दिखाया है, माइनस 10 आएगा। और इसका सम करेंगे सिग्मा एफ आई का, ठीक यहां बेटा एफ आई आई, ठीक है। ये पूरा टेबल तैयार हो गया है। अब यहां पर फार्मूला लिखिए, एक्स बार इक्वल टू या मीन इक्वल टू जो समझ में आपको आए, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू एच, सॉरी बस ए, ए की वैल्यू 57.5 प्लस माइनस 10 अपान 30, और 10 से ये 0 0 चाहो तो काट सकते, ये हो जाएगा 57.5 माइनस 1/3, लिखो 0.37.833, दो प्लेस तक लिखो 0.33, हाँ तो जाएगा 57.83। अच्छा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉरी सॉरी, तो ये फाइनल आंसर इनका मिल गया
कि 57.17 केजी, ठीक है ना, केजी भी लिख दो। तो ये इस क्वेश्चन को, इस डेटा को आपने कैलकुलेट किया, मीन निकाला है इसमें, जबकि यही क्वेश्चन आप मीडियन में भी सॉल्व कर चुके हो। तो मीडियन का आंसर कितना आया था, याद है किसी को? हाँ, तो किसी भी एक चीज हम आपको समझा दें, किसी भी क्वेश्चन का मीन, मीडियन और मोड, किसी भी डेटा का मीन, मीडियन और मोड डिफरेंट हो सकता है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी डेटा का मीन अलग अलग मेथड से, चाहे वो डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड से लगाएंगे तो आंसर सेम आएगा, मीन का आंसर सेम आएगा, लेकिन मीन, मीडियन, मोड अगर अलग अलग निकालेंगे तो वो डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है ना? चलिए।